कैलाश की मिट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है महादेव। कब से आपकी मूर्ति बनाने का प्रयास कर रही परंतु बन ही नहीं रही। आपकी कैलाश की मिट्टी कितनी गंदी है। नहीं बनाऊंगी मैं आपकी मूर्ति, बनानी ही नहीं है मुझे, रहूंगी बिना मूर्ति के। बुरी है कैलाश की मिट्टी, बहुत गंदी है, नहीं बनाऊंगी मैं आपका प्रतीक, आपके बिना ही रहूंगी महादेव, प्रतीक भी नहीं बनाऊंगी। बहन पार्वती की मानसिक स्थिति बिल्कुल बालकों सी हो गई है, उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं। संभव है स्मरण दिलाने का प्रयास किया जाए तो संभवतः उन्हें स्मरण आ जाए। हमने करके देख लिया किंतु हमारा प्रयास विफल हो गया। बिल्कुल अच्छी नहीं है कैलाश की मिट्टी। कौन हो तुम? आपका मित्र। मित्र? आप बनेंगे मेरे मित्र? यदि मेरे मित्र बनने से आपका मन प्रसन्न होता है तो बना लीजिए मित्र। मेरी मिट्टी तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है? आपने फेंका इसलिए उठा लिया। तुम भी इस मिट्टी को फेंक दो, ये मिट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? आपके कार्य में आपकी सहायता करने। परंतु मैं तो महादेव की मूर्ति बना रही थी। मिट्टी से? हाँ, पर कैलाश की मिट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, महादेव की मूर्ति बनी ही नहीं। मित्र, कैलाश में मिट्टी से नहीं हेम से मूर्ति बनती है। परंतु हेम से मूर्ति बनाना मैं नहीं जानती। मैं जानता हूँ, मैं आपकी सहायता करूंगा हेम से शिवलिंग बनाने में। आइए बनाइए मेरे साथ। तो कितना सुंदर बना दिया महादेव के इस रूप को, कितना भव्य। मैंने नहीं, आपने बनाया है शिवलिंग। अब तो आप मुझे अपना मित्र मानेंगे ना? हाँ मित्र।
देवी आ गई आप, किंतु आप अकेली ही दिख रही हैं। हमारे प्रिय बालशिव कहाँ है? कैलाश। कैलाश? किंतु बालशिव कैलाश पर क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैंने उसे कह दिया है उसके यहां कोई आवश्यकता नहीं है। क्या देवी, आप शिव को ऐसे कठु वचन कैसे कह सकती हैं? मैंने सत्य कहा ऋषिवर, उसके जाने से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मैं जी लूंगी उसके बिना। और मैं चाहूंगी कि वो कैलाश जाए और अपने मित्र के साथ वही रह जाए और कभी लौट कर मेरे पास ना आए। बस बस देवी, कभी कभी तो अति कर देती हैं आप। और ये कहकर अच्छा नहीं कि आपने अपने पुत्र के साथ आघात पहुंचाया है आपने उसके कोमल शिशु मन पर। देवी, ये भी भूल गई हैं आप कि शिव ने केवल आपकी ही प्रसन्नता के लिए देवी पार्वती की मित्रता का भी सहर्ष त्याग कर दिया था। देवी, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि अवश्य कोई गहरा संकट आया होगा कैलाश पर, जो शिव आपके सम्मुख प्रस्तुत होकर आपसे कैलाश जाने की आज्ञा मांग रहे थे। यदि मैंने उसे आज्ञा पाने और मांगने के बंधन से मुक्त कर दिया तो क्या बुरा क्या ऋषिवर? वो स्वतंत्र है अपना मन का करने के लिए, और मैं भी स्वतंत्र हूं उसके पालन पोषण और देखभाल के दायित्व से। मैंने निर्णय ले लिया है ऋषिवर, कल से मैं गुरुकुल जाऊंगी और पुनः अपना कार्यभार संभालूंगी, स्वयं को व्यस्त रखूंगी। संसार को पता तो चले कि शिव के बिना भी मैं एक सामान्य जीवन जी सकती हूं। देव और नारायण भी है, जब तक वो मेरे पास रहना चाहे मैं उन्हें मेरे हृदय से लगा कर रखूंगी, लेकिन जिस दिन वो जाना चाहे मैं उन्हें भी स्वतंत्र कर दूंगी। अब आप कुछ भी कह लें, कोई भी तर्क दे लें देवी, किंतु सच तो यही रहेगा कि आप जो करके आ रही हैं ना